हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिकेय पांडे एंड मैंने अपना बीटेक किया हुआ है आईआईटी बीएचयू से, मींस सो कॉल्ड आईआईटीएन। ओके बच्चा पांडे, आपको ये कैसे पता चलता है कि आपने आईआईटी जेई की सही प्रिपरेशन कर रखी है या फिर आपकी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन सही हो रही है? तो देखो यार, मैं एक तुम्हें रामबाण तरीका बता रहा हूँ जो तुम फॉलो करो और 100% डैम श्योर है कि आपको पता चलेगा कि यू आर करेक्ट ऑन करेक्ट पाथ और नॉट। देखो यार, तुम सिंगल करेक्ट यदि सॉल्व करते हो नॉर्मल बात है, इंटीजर सॉल्व करते हो नॉर्मल बात है, क्योंकि उसमें भी एस्टिमेशन का चल जाता है, ये सारी चीजें चलती है। सब्जेक्टिव टाइप में ऐसा होता है कि तुमने आधा सॉल्व किया, आधा भी नहीं सॉल्व हुआ तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो आधा तो सॉल्व हो गया था। ये सारी चीजें होती है। ये इनमें से कोई तरीका मुझे ऐसा नहीं लगता कि सेटिस्फैक्ट्री है जो ये बताए कि यस तुमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है। मुझे सबसे अच्छा तरीका जो लगता है ये चेक करने का कि मेरी प्रिपरेशन सही है नहीं है, वो है मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस को चेक करना। मतलब आप एक काम करिए, आप 20 चॉइस क्वेश्चंस उठा लीजिए गिवन चैप्टर पे, कि वो जो क्वेश्चंस हैं, ऑल दोस क्वेश्चंस, क्या ऐसा है कि आप उन क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं? क्या ऐसा है कि आपका 100% सही हो रहा है? और उनको सॉल्व करते वक्त एक बात का ध्यान रखिए, पार्शियल मार्किंग मत रखिए, अपने मन में ना ऐसा क्लियर माइनस मार्किंग रखिए कि सही होगा तो +4 मिलेगा और गलत हो तो -2 मिलेगा, क्योंकि 2015 में ऐसा ही हुआ था, 2015 के पेपर में जिस साल मैंने दिया था। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, इस तरह का माइंड आके 20 क्वेश्चन लेके बैठिए और फिर देखिए कि क्या आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पा रहे, क्या आप काउंसलिंग में बैठ पाएंगे, क्या आपको गिवन आईआईटी पे पाने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उस हिसाब के आपका परफॉर्मेंस था, क्या उतना परसेंटेज आप स्कोर आपने गेन किया, तब जाके माना जाएगा कि आप सही प्रिपेयर्ड हो। क्योंकि मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस प्रॉपर कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, प्रॉपर औकात चेक करते हैं एक बच्चे की कि भाई तूने कितने अच्छे कॉन्सेप्ट बनाए हैं, क्योंकि उसमें कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है और हो सकता है मात्र एक ही ऑप्शन सही हो। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप हर चैप्टर में इतने क्वेश्चंस, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने आप चीजें अच्छी होती है और आपको पता चलेगा कि आप प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल, थैंक यू।